तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो बच्चों, DOE यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड किया गया ये न्यू और लेटेस्ट सर्कुलर है, जो कि 26/7/2022 डेट का है। इसमें मेंशन किया गया क्लास 11th का एडमिशन आज से, यानी कि 27 से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। पर ध्यान ये रखना है कि ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है फॉर्म फिल करना है, ये केवल नॉन प्लान एडमिशन के लिए, मतलब कि जो बच्चे प्राइवेट में हैं उनके लिए, उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में थे यानी क्लास 10th सरकारी स्कूल से किए हैं और 11th में पहुंच गए हैं, उनको ऑनलाइन फॉर्म नहीं फिल करना है। उनको यहां पर बताया जा रहा है कि उनका जो फॉर्म होगा वो स्कूल की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा, स्कूल में ही फिल करवाया जाएगा, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल में है, 10th किया था, 11th में किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता है, उसको भी जो फॉर्म दूसरे स्कूल के लिए फिल करवाया जाएगा स्कूल की तरफ से ही करवाया जाएगा, ठीक है। मतलब उसको ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना केवल नॉन प्लान एडमिशन यानी जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में थे और सरकारी में आना चाहते हैं उनके लिए। ये बात समझ में आ गई? तो जो बच्चे सरकारी स्कूल में थे उनको कन्फ्यूज नहीं होना है, उनको स्कूल की तरफ से ही फॉर्म मिल जाएगा और आसानी से भर लेना, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है उसको दो साइकिल में डिवाइड किया गया है। जो साइकिल 1 है ये एडमिशन 27/7/2022 से स्टार्ट हो जाएगा, 3/8/2022 तक चलेगा, 11 बजे तक, ठीक है। और 27 को 5 बजे यानी 5 PM से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर डेट दी गई है 12/8/2022 से 20/8/2022 तक, यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो अगर हम साइकिल 2 की बात करें तो साइकिल 2 जैसे फर्स्ट साइकिल में आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो फिर से एक चांस मिलेगा साइकिल 2 में। और इसमें वो भी बच्चे आ जाएंगे जो बच्चे क्लास 10th में कंपार्टमेंट हो गए हैं, वो पेपर देंगे, ठीक है। 23 से उनका पेपर भी है, तो पेपर देने के बाद वो भी साइकिल 2 में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी तो चांस मिलना चाहिए ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जो बच्चे साइकिल 1 में एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं वो भी साइकिल 2 में भी करा सकते हैं, और कंपार्टमेंट स्टूडेंट जो पेपर देंगे अभी वो भी साइकिल 2 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? आगे देखो, यहाँ पर दिया गया है एकेडमिक क्राइटेरिया फॉर नॉन प्लान एडमिशन, मतलब जो नॉन प्लान एडमिशन है उसके लिए जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रीम यहाँ पर दी गई साइंस विद मैथ लेकर पढ़ना चाहता है तो उसका जो परसेंटेज होना चाहिए 55 होना चाहिए, इंग्लिश में 50, स्टैंडर्ड मैथ बेसिक मैथ यानी मैथ में चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो 50% और साइंस 50। फिलहाल इस बार तो जो बेसिक मैथ ले रखे थे उनको भी मैथ दी गई है, ठीक है ना, क्योंकि ये CBSE की तरफ से सर्कुलर इशू कर दिया गया है। अगर साइंस विदाउट मैथ लेना है तो एवरेज जो है आपका यानी परसेंटेज 55 होना चाहिए, इंग्लिश में 50 होना चाहिए, मैथ चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो 40, ठीक है, और साइंस में 50 होना चाहिए परसेंट, ध्यान रखना। अगर कॉमर्स विद मैथ लेना है तो 50% होना चाहिए, इंग्लिश 45, मैथ में चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो 50, सोशल साइंस में 45% होना चाहिए। अगर कॉमर्स विदाउट मैथ लेना है तो 50% होना चाहिए, इंग्लिश या फिर हिंदी 45% होना चाहिए उसमें, सोशल साइंस में 45%, ठीक है। अगर ह्यूमैनिटीज लेना है तो यहाँ पर मेंशन किया गया है इकोनॉमिक्स में 45% होना चाहिए और मैथमेटिक्स चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड 50 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये क्राइटेरिया दिया गया, अगर आपको इस किसी भी स्ट्रीम को लेकर पढ़ना है तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है इधर मेंशन की गई, आप अच्छे से पढ़ो, समझो कि आपके उतने परसेंट हैं या नहीं हैं, उस हिसाब से आप सोचो कि आपको क्या लेना है, ठीक है। अब आगे देखो, कुछ स्टूडेंट जो NIOS से क्लास 10th किए थे वो भी सरकारी में एडमिशन ले सकते हैं 11th में, लेकिन 55% मार्क्स होने चाहिए और 5 मेन सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए, ये चीज़ उनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर एज क्राइटेरिया दी गई है 15 से 17 के बीच में, ठीक है ना, एज होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर मान लो आप जैसे डिटेल फिल कर रहे हो तो यहाँ पर मेंशन किया गया ABCD, इन बातों का ध्यान रखना है, यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना, ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम, ठीक है। और उसके बाद में अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन हैं आपके क्वेरीज हैं
तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 बजे तक, इवनिंग में 1:30 बजे से 4:30 बजे तक स्कूल जाकर नियर बाई कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। और आपका जो एडमिशन है आज से यानी कि 27 से चालू हो गया है, तो आप फटाफट एडमिशन करवा लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।